भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह नैतिकता के आधार पर आगामी विधानसभा चुनाव से किनारा कर लें, इससे उन्हें कांग्रेस की ओर से की जा रही जलालत से राहत मिलेगी। ये बात पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक जयराम ठाकुर ने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कही। पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं विधायक जयराम ठाकुर ने कहा कि देश और प्रदेश में चल रही मोदी लहर का कहर अब कांग्रेस पर टूटेगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि वीरभद्र सिंह एक ही दिन में 25 से 30 उद्घाटन शिलान्यास कर रहे हैं, वो सब कुछ हाथ से निकलता देख वे बौखलाहट में ऐसा कर रहे हैं। कल तक वे सातवीं बार मुख्यमंत्री बनने की बात करते थे, मगर उनकी इस बात पर कांग्रेस आलाकमान ने ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। जयराम ठाकुर ने कहा कि जहां तक विधानसभा चुनावों को लेकर तैयारियों का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस से कहीं आगे निकल चुकी है। आज अगर चुनाव हो जाए तो कांग्रेस को 10 सीटें जीतने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। जयराम ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री आजकल बेवजह ही घोषणाएं कर रहे हैं, मगर भाजपा की सरकार के आते ही इन सभी घोषणाओं का रिव्यू किया जाएगा। जो राजनीतिक दृष्टि से लाभ लेने के लिए होंगी उन्हें रद्द किया जाएगा। जयराम ठाकुर ने कहा कि भाजपा हाईकमान की ओर से ही उम्मीदवारों की लिस्ट होगी। वर्तमान सरकार के बारे में अगर दो बातें मुझे कहनी है कि पहले प्रमुख रूप से मुद्दा पूरे हिमाचल प्रदेश में जब सरकार बनी थी भ्रष्टाचार का मुद्दा शुरू सरकार होने के साथ सरकार बनने के साथ ही शुरू हो गया जो आज भी कायम है और कायम ही नहीं है। मेरा मानना है कि आज की तारीख में जिस प्रकार की डेवलपमेंट कोर्ट में सारी चीजों को हुई है वो आरोप जो है आने वाले समय में अपने परिणाम तक पहुंचेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा प्रश्न खड़ा होता है जो एसआईटी प्रदेश के मुख्यमंत्री जिनके पास गृह विभाग भी है उनके मार्गदर्शन में उनकी सलाह से हिमाचल प्रदेश में गठित की गुड़िया के मामले को लेकर के उसकी जांच करने के लिए वो एसआईटी आज सीबीआई के शिकंजे में है। आठ जो है उसमें जो एसआईटी का चीफ से लेकर के जो है जो आईजी लेवल का ऑफिसर था तमाम अधिकारी कर्मचारी जितने भी उसमें थे सब के सब जो है गिरफ्तार है। और ये मुझे लगता है कि अपने आप एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये संभव हो ही नहीं सकता है कि जिस आरोपी की जेल के अंदर हत्या हुई है उस हत्या की वजह क्या रही। मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान जो घोषणा कर रहे हैं मात्र हफ्ता 10 दिन का समय बचता है सरकार का, उसके बाद आने वाले समय में हम ऐसा मान के चल रहे हैं कि आचार संहिता लगने की संभावनाएं बहुत प्रबल होती जा रही है। लेकिन उसके बावजूद हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से अंधाधुंध घोषणाएं बजट प्रावधान के बिना जो की जा रही है हमारा ये मानना है हम पार्टी के नेतृत्व से भी इस बात के लिए आग्रह करेंगे आने वाले समय में जब हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी इन तमाम मुद्दों पर जो पिछले 4-6 महीने के कालखंड में जो निर्णय लिए हैं जो घोषणाएं हुई हैं उनको रिव्यू किया जाए और रिव्यू करने के साथ साथ में जो उचित है उस पर जरूर विचार करेंगे।